बीजी बाजु बोटाद शिरवाणिया गा अल्पेश विरजा नाम युवक की हत्या मामल चौंकावनारो खुलासो थयो छे। शिरवाणिया गामे गत मोड़ी रात्र पैसा ने लेती देती मामले युवक अल्पेश विरजा की तीक्ष्ण हथियार घा झीकी हत्या कराई। आ समग्र मामले गामना सरपंच बाबूभाई विरजाए तेमना पुत्र साथ मिली कौटुंबिक भत्रीजा अल्पेश विरजा की हत्या ने अंजाम आप्यो हतो। तो पाळियाद पोलीसे अलग अलग टीम बनावी आरोपी ने शोधवाना चक्रो तमाम गतिमान कर्या छे। तो अन्य महत्वपूर्ण समाचार दाहोद थी। दाहोद देलसर में एक महिला ना घरे पत्थरमारो थयो छे। महिला ना ज पति सहित टोळाए कर्यो छे हुमलो। तो पतिए तीक्ष्ण हथियार थी हुमला नो प्रयास कर्यो छे। पत्नीए दरवाजो बंद करता पतिए कर्यो छे पत्थरमारो। तो समग्र मामले जाण थता दाहोद बी डिविजन पोलीस घटनास्थले दौड़ी आवी हती। आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। तो पति द्वारा ज पोतानी पत्नी पर हुमलो करवामां आवी रह्यो छे। तीक्ष्ण हथियार वडे हुमलो करवामां आवी रह्यो छे त्यारे पत्नीए दरवाजो बंद करता घरमां पत्थरमारो पण करायो छे। तो बीजी बाजु दाहोद में रूरल पुलिस पर हुमला करनार 400 टोळा सामे रायोटिंग नो गुनो नोंधी पुलिसे 30 लोगों की धरपकड़ करी छे। दिवाली ना दिवसे दारूनी खेप दरमियान एक युवक नु मौत थता परिवारजनोए पुलिस पर आक्षेप कर्यो छे कि पुलिसे चालू गाड़ीए लाकड़ी मारवाथी युवक मौत ने भेट्यो छे। तो मृतकना परिवारजनोए लाश पुलिस स्टेशन बहार मूकी विरोध कर्यो हतो, जेने लई पुलिस पण हळवो लाठीचार्ज करी मामलो थाळे पाड्यो। तो 2 कलाकना होबाळा बाद युवकना मृतदेहने समाजना लोको जायडस खाते लई गया हता। 4 दिवस थवा छता पण परिवारे लाश ने स्वीकारी नथी। तो पुलिस पर हुमला की घटना में संडोवायेला अन्य इसमों ने पकड़ी तमाम चक्रो गतिमान कर्या छे। तरफ जेतपुर में अमरनगर पास गंभीर अकस्मात सर्जायो छे। कार अने रिक्षा वच्चे टक्कर थता कार पलटी गई छे। तो एक ज परिवार ना 3 बाळको सहित 9 लोको घायल थया छे। इजाग्रस्तोने जेतपुर सरकारी होस्पिटल में खसेड़ाया छे। तो रिक्षा में कमर कोटला जता परिवार ने अकस्मात नड्यो हतो। तो अन्य महत्वपूर्ण समाचार अमदावादथी। अमदावादनी साबरमती नदीमांथी मळी आवी छे 3 लाश। अलग अलग विस्तारमांथी मळी आव्या छे मृतदेह। तो आंबेडकर ब्रिज, एलिस ब्रिज अने जवालपुरनी आ घटना छे। पोलीसे अकस्मातनो गुनो दाखल करी वधु तपास शुरू करी छे। साबरमती नदीमांथी 3 अलग अलग स्थळो परथी मळी आवी छे 3 लाश। आंबेडकर ब्रिज, एलिस ब्रिज अने जवालपुरनी आ घटना छे कि ज्यांथी मृतदेह मळी आव्या छे। पोलीसे आ दिशामां वधु तपास हाथ धरी छे। बीजी बाजु मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल विदेश प्रवासे जशे। 7 अधिकारी साथ जापान और सिंगापुर प्रवासे जशे। तो 27 नवेम्बर थी 2 डिसेम्बर सुधी विदेश प्रवासे जशे। तो आ तरफ महिला बाल विकास मंत्री भानुबेन बाबरियाए अंबाजी मंदिर दर्शन कर नवा वर्षे मां अंबा दर्शन कर मंदिर चाचर चौक में पोतना परिवार साथ गरबे रमया। मंदिर की गादी पर जईने भट्टजी महाराज आशीर्वाद लीधा था। माताजी ना दर्शन माटे आवी छु त्यारे मां सौना जीवन में खूब ज सुख शांति अने समृद्धि आपे। सौनी मनोकामना पूर्ण करे। मां अंबाना दर्शन माटे खूब मोटी संख्या में भक्तजनों आव्या छे। तो आ तरफ बनासकांठाना खेडूतोनी स्थिति एक सांधे त्यां तेर तूटे जेवी थई गई छे। 2 दिवस पहला सीपू एमडी एक केनालमां गाबड़ू पड़ता लाखों लीटर पाणीनो वेडफाट थयो। त्यारबाद आजे जेरडा पासे केनाल खराब होवाथी पाइप मार्फते पाणी वेडफाई रह्यु छे। तो डीसा पंथकमां सतत बीजा दिवसे केनालनुं लाखों लीटर पाणी वेडफाई रह्यु छे, जेनो वीडियो पण हाल वायरल थई रह्यो छे। तो सीपू डेममांथी पाणी छोड़ाता ज जर्जरित केनालमां गाबड़ा पड़ी रह्या छे। तो दातीवाड़ा सिंचाई विभागना अधिकारीओ अने कॉन्ट्राक्टरनी बेदरकारीनी सजा खेडूतो भोगवी रह्या छे। तो एक तरफ पाणी माटे वलखा मारता खेडूतोनी नजर सामे आ लाखों लीटर पाणीनो वेडफाट थयो छे। तो धरतीपુત્રોમાં તંત્ર સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। અને બનાસકાંઠાની અંદર ઉત્તર ગુજરાતમાં પાણીનો બહુ સંકટ છે, ત્યારે અત્યારે મારી પાછળ હજારો લીટર પાણી અમને વેડફાય છે અને આ પાણી અમને સીધું ગામની અંદર જાય છે। કોઈ ખેડૂતને ઉપયોગ આવતો નથી। અધિકારીએ વારંવાર જાણ કરતા કોઈ અધિકારીઓની નોંધ લેતા નથી। કોન્ટ્રાક્ટરીઓને અધિકારીઓને મેલે ભગતના કારણે સફાઈ કેનાલની સફાઈ થઈ નથી।
तो आ तरफ बनासकांठामां न्यूज 18 ना अहेवालनी असर थई छे। पालनपुर डीसा हाईवे पर रसणा नजीकनी केनाल पर गडर मुकाया छे, तो केनाल पर हाईवे ने दीवाल तूटता अंगेनो न्यूज 18 ना अहेवाल प्रसारित कर्यो हतो। न्यूज 18 ना अहेवाल बाद दौड़तू थयुं छे तंत्र, तो तंत्र द्वारा तूटेली दीवालनी जग्याए गडर मुकाया छे। वहेली तके दीवाल नवी बनावाय तेवी स्थानिको द्वारा मांग उठी रही छे।